मुझे नहीं पता राजद के लोगों ने ओवर एक्साइटमेंट में ये ट्वीट कर दिया है, एग्रेशन में ये ट्वीट कर दिया है, पर आप इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल लोकतंत्र के मंदिर के लिए आप कर ही नहीं सकते हैं। भाई लोकतंत्र का मंदिर है ये, वहाँ पर जाकर हम सब लोग देश सेवा की हम लोग शपथ लेते हैं, उसकी तुलना आप ताबूत से कर रहे हैं, ये कैसी मानसिकता है। कल क्या बोल रहे थे मुख्यमंत्री कि क्या ज़रूरत है, बताएं मुझे मुख्यमंत्री जी क्या ज़रूरत थी इस संग्रहालय की, जो म्यूज़ियम मुख्यमंत्री जी ने बताया, एक तो था ही ना म्यूज़ियम हम लोगों के पास, तो उसके बाद ये दूसरा म्यूज़ियम बनाना और इस पर अरबों का आपने खर्चा कर दिया। बोलते हैं कि भाई क्यों प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो जब आप कर रहे थे विधानमंडल का उद्घाटन तो उस वक्त आप क्यों आप राज्यपाल को भूल गए थे भैया, हेड ऑफ़ द कंट्री, हेड ऑफ़ द स्टेट, डिजिग्नेशन तो सिमिलैरिटी में ही है ना, उसी प्रपोर्शन में ही है, जो वो देश के लिए हैं वो राज्य के लिए हैं। तो भाई जब आप उनकी, जब आपको इतनी चिंता है कि राष्ट्रपति ने क्यों नहीं किया, तो आपने भैया 2016 में आपने क्यों नहीं करवाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। देखिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जो न्यू संसद भवन का उद्घाटन हुआ है उसको लेकर के जो तमाम 21 विपक्ष पार्टियों ने बहिष्कार किया था, उसको कैसे विरोध कर रहे हैं उन तमाम पार्टियों को, सबसे पहले आप ये वीडियो में सुन। प्रधानमंत्री जी से हो सकता है, संभवतः उनकी नीतियों से भी हो सकता है। एक तो विपक्षी एकता का मुझे मुद्दा आज तक समझ में नहीं आया, आप सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का विरोध करते करते आप संस्थाओं का विरोध आप करने लगते हैं, और वो विरोध करते करते उन संस्थाओं के बारे में, खास तौर पर भारतीय संसद, भाई लोकतंत्र का मंदिर है ये, वहाँ पर जाकर हम सब लोग देश सेवा की हम लोग शपथ लेते हैं, उसकी तुलना आप ताबूत से कर रहे हैं, ये कैसी मानसिकता है। मतलब इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, इससे ज़्यादा निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता राजद के लोगों ने ओवर एक्साइटमेंट में ये ट्वीट कर दिया है, एग्रेशन में ये ट्वीट कर दिया है, पर आप इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल लोकतंत्र के मंदिर के लिए आप कर ही नहीं सकते हैं। और भाई ये, और ये क्या तरीका है, मतलब आप उसके आकार को लेकर, तो इससे पहले मतलब जो पार्लियामेंट था वो तो गोलाकार था, शून्य था, तो मतलब क्या था, आप सब लोग, हम लोग शून्य में बैठे हुए थे, समाप्ति पर थे, क्या आकार को लेकर आप टिप्पणी कर रहे हैं, और ऐसी टिप्पणी क्यों करना जिसमें कल आप ही के ऊपर बार बार उंगली उठेंगी। राजद के ही अगर कोई सांसद जीतते हैं तो भाई उसी संसद में जाएंगे, मौजूदा अगर इनके जो राज्यसभा के सांसद हैं वो भी उसी संसद में जब अगला सत्र जाएगा, तो क्या वो सब लोग ताबूत में जा रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं आप इससे। आप नीतियों का विरोध कीजिए ना, आप कीजिए, आप जो आपको विषय उठाने आप कीजिए, पर इस तरीके से भारतीय संसद का, उस भवन का, और वो भी उसके आकार को लेकर इस तरीके से टिप्पणी करना, ये कहीं से भी उचित नहीं। और भाई आज की तारीख में भारत को एक नई संसद मिली है, मैं बार बार मैं कहता रहा हूँ कि सबको अपनी सकारात्मक ऊर्जा इसमें देने की ज़रूरत है, एकजुट होकर हम लोग दुनिया को, हम लोग क्या संदेश दे रहे हैं भाई। आज जब भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, जब खुद हम लोग सक्षम होकर हम लोगों ने भारत में एक नई संसद का हम लोगों ने निर्माण किया है, एक आधुनिक संसद का, संसद भवन का हम लोगों ने निर्माण किया है, ऐसे में हर किसी को एक साथ आकर दुनिया के सामने इस नई संसद की खूबसूरत तस्वीर प्रस्तुत करनी चाहिए थी, और ऐसे में आपने एक के बाद एक मतभेदों को उत्पन्न किया, बिना मतलब के तिल का तार बनाने वाली बात है, एक के बाद एक आप खाल पे खाल आप उखेड़े जा रहे हैं, कभी इस विषय को लेकर, कभी इससे उद्घाटन होना चाहिए, कभी उससे होना चाहिए, कभी कोई बोलते हैं हमारे मुख्यमंत्री भाई क्या क्या बोलते हैं हमको समझ में ही नहीं आता है, बोलते हैं कि भाई क्यों प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो जब आप कर रहे थे विधानमंडल का उद्घाटन तो उस वक्त आप क्यों आप राज्यपाल को भूल गए थे भैया, हेड ऑफ़ द कंट्री, हेड ऑफ़ द स्टेट, डिजिग्नेशन तो सिमिलैरिटी में ही है ना, उसी प्रपोर्शन में ही है, जो वो देश के लिए हैं वो राज्य के लिए हैं। तो भाई जब आप उनकी, जब आपको इतनी चिंता है कि राष्ट्रपति ने क्यों नहीं किया, तो आपने भैया 2016 में आपने क्यों नहीं करवाया। कल क्या बोल रहे थे मुख्यमंत्री कि क्या ज़रूरत है, बताएं मुझे मुख्यमंत्री जी क्या ज़रूरत थी इस संग्रहालय की, जो म्यूज़ियम मुख्यमंत्री जी ने बताया, एक तो था ही ना म्यूज़ियम हम लोगों के पास, तो उसके बाद ये दूसरा म्यूज़ियम बनाना और इस पर अरबों का आपने खर्चा कर दिया, वो भी तब जब हमारा प्रदेश एक ऐसे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है।
जहां पलायन के लिए लोग मजबूर हैं दूसरे राज्यों में जाने के लिए। तो बताएं मुख्यमंत्री जी, जवाब दें, देश से तो पूछ रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी, और ज़रूरत हम जैसे लोगों से पूछे ना भैया जो संसद में जाते हैं। आप आखिरी बार आप कब संसद का सदस्य बनकर आप गए थे? मुझे नहीं पता, शायद याद भी नहीं होगा हम लोग की पीढ़ी को। तो हम लोगों से पूछे भैया कि कितनी समस्या होती है, कितनी दिक्कत होती है हम लोग को। और ये मांग आज से नहीं, ये मांग लंबे समय से चलती आ रही है, यूपीए के ज़माने से चलती आ रही है, उससे पहले से चलती आ रही है, कि मौजूदा संसद भवन में नहीं संभव है तमाम सांसदों का इकट्ठा होना। आधुनिकीकरण की जो व्यवस्था करने की ज़रूरत है आज की तारीख में, वो संभव नहीं है। तो ऐसे में एक नई संसद भवन के निर्माण की ज़रूरत थी, पर आपकी क्या ज़रूरत थी यहाँ पे, जो आपने म्यूजियम पे इतने पैसे आपने बर्बाद किए? आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जो कमेंट बॉक्स में दे, फेसबुक पे देख रहे शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन पटना बिहार से, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।